रकम रकम जाना या शाहे मदीना दिल का मेरे अरमान पूरा हो जाए या शाहे मदीना दिल का मेरे अरमान ये पूरा हो जाए हंगामे अजल से पहले मुझे तैबा का नजारा हो जाए या शाहे दिल का मेरे अरमान ये पूरा हो जाए हंगामे अजल से पहले मुझे रोते बाका नजारा हो जाए हासिल हो कमाले के नजर ऐ काश के ऐसा हो जाए जिस वक्त मैं आंखें बंद करूं रोजे का नजारा हो जाए जब आईसीयू में थी अब मैं गया मिलने के लिए तो इसी रोशन है उन्हीं के परतों से ये शम्सो कमर ये सैयारे रूपोशों गर जल वे उनके हर सिंत अंधेरा हो जाए ऐ माहे अरब मेहरे अजम ऐ जाने जहां जा नाने माने जा ऐ माहे अरब मेहरे माने जहां क्या उसको दो आलम की परवाह जो सिर्फ तुम्हारा हो जाए सौ बार मदीने कर जाऊं कब दिल की सैरी होती है सौ बार मदीने कर जाऊं कब दिल की सैरी होती है दिल नजर मदीना कर आऊं या दिल ही मदीना हो जाए या शाहे मदीना दिल का मेरे अरमान ये पूरा हो जाए मैं तो एक ही पढ़ना चाह रहा था मगर हमीदुल्ला ने एक नात की तरदीब करवाई दिनों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है दिनों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम
नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शरण चाही उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शरण चाही खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है उन्हीं के जिक्र से रोशन रुते फिरे लौट आती है उन्हीं के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है दरूदों की महक से महफिले आबाद रहती है दरूदों की महक से महफिले आबाद रहती है मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है मैं फकीरी फिक्र दुनिया सिरत सब भूल जाता हूँ शायर फकीर मैं फकीरी फिक्र दुनिया आखिरत सब भूल जाता हूँ मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है और अब इस महफिल के जो झूला है हमारे इनको तो मैंने आपने पढ़ाना चाहिए था मगर महाराज अदब एहतराम जो है हम अल्लाह का बड़े होने के नाते आखिर में हमें अल्लाह ही पढ़ेंगे और नहीं हाजी साहब जितने हाजी रहे बड़ा बड़ा है हर हाल में तो उनको हाँ आसिम जो है वो बिल्कुल एक रिश्ता है खून है उसमें हाँ हमारे उसमें नहीं है खून रिश्ते से एहतराम मिलता हर हाल में होगा उमर 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 उमर
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को सलाम पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले तो बहुत ही ममनून मशहूर हूँ मुश्तबादी साहब का कि जिन्होंने इस बाबरकत रूहानी महफिल का इनकार किया अपने घर पर, और जितनी इज्जत अफजाई इन्होंने फरमाई अपने अल्फाज से, मेरे पास अल्फाज नहीं और ना मेरा बोलना बनता है और ना बोलने की ज़रूरत है, लेकिन मैं उसूल बरकत के लिए चंद बातें ज़रूर करूँगा कि जितनी हौसला अफजाई बचपन से मुश्तबादी साहब करते आए हैं, और शमशाद भाई इसके गवाह हैं कि हम कितने छोटे छोटे होते थे, हमें बोलना भी नहीं आता था और मुश्तबादी साहब हमें ज़रूर नाच पढ़ाते थे। जी 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 बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा था। और जब कुल पाकिस्तान मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की थी तो मेरा ये एजाज़ है कि इन्होंने मेरे एजाज़ में वो महफिल रखी थी, और जितनी इज्जत अफजाई मेरी और मेरे ख़ानदान वालों की, मेरे दादा दादी की और मेरे वालदैन की इन्होंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये माहौल भी हमारे घर से, हमारे बड़ों से मिला। मेरे चाचा यहाँ मौजूद हैं, अमीरुल्लाह खान नूरी साहब, उनकी वजह से हमने नात पढ़ना सीखा। और ये जो नात अभी पढ़ रहे थे मुश्तबादी साहब, या शाह हसीना दिल का मेरे, ये नात मैंने बचपन में इतनी ज़्यादा पढ़ी है कि मुझे अभी भी ये ज़बानी याद है। हालांकि मैंने बहुत अरसे से नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी ज़बानी याद है कि मुझे इस नात का मतलब भी समझ में नहीं आता। लेकिन अभी जब मैं सुन रहा था तो एक एक लफ्ज़ इसका वाज़े हो रहा था, क्योंकि ये उस वक्त से मदीने जा रहे हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए। तो जब ये शेर पढ़ा करते थे कि 100 बार मदीने घर जाऊँ कब दिल को सहरी होती है, तो हमें तो बचपन में बस यही समझ में आता था कि महफिल नाद में इस शेर पर सबसे ज़्यादा दाद मिलती है और सबसे ज़्यादा सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। तो इस शेर की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना और घर वालों के साथ मिलकर और बार बार हर महफिल में इस कलाम को पढ़ने की कोशिश करना बगैर समझे, और आज इसके माने और मतलब हमें जब समझ में आ रहे हैं और हम जब इस फेज से गुजर रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि वाकई 100 बार मदीने घर जाऊँ कब दिल को सहरी होती है, दिल नजरे मदीना कर आऊँ या दिल ही मदीना हो जाए, दिल नजरे मदीना कर आऊँ या दिल ही मदीना हो जाए। और मैं बस वो नात गुनगुना रहा था उस दिन परसों जब मैं आ रहा था रास्ते में, तो इमाम साहब ने सुना और वो अपने वाकयात बता रहे थे कि कैसे मौलाना शफी गाड़ी साहब के जुलूस में वो जाया करते थे, जलसों में वो जाया करते थे, पर वहाँ पे ये कलाम पढ़ा जाता था। तो हमने ये कलाम शुरू से चाचा से ही सुना और वही इस कलाम को पढ़ेंगे। तो मैं अपनी चंद अकीदतें हुजूर की बारगाह में पेश करता हूँ जिस कलाम को मैंने वहाँ पे भी बारहा पढ़ा। और ये कलाम जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये सबीर रहमानी साहब का लिखा हुआ कलाम है, और ये वो कलाम है, मुझे याद है कि 96 की गालिबन बात है, मैं मेरी उम्र शायद 5 साल या 6 साल होगी उस वक्त, और सुनहरी जालियों का एक मंजर पीछे स्क्रीन लगी होती थी लहने वाले घर में, और वहाँ उन्होंने पहली मरतबा जब ये कलाम अपनी पहली हाजिरी में लिखा था, वो ये कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ। और इतना उस कलाम का एक एक शेर, और मैं आपको ये भी बताऊंगा उस कलाम को सुनते हुए मैंने जिस शेर पर सबसे ज्यादा दाद ऑब्जर्व की, वो शेर भी मैं पढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा शेर था, पर उसके मतलब भी उस वक्त समझ नहीं आते। आज जब जाके वहाँ जाके सरकार के कदमों में बैठ कर वो नात पढ़ी तो उसका मतलब समझ आया, उसका उसकी गहराई समझ आई और कैफियत समझ आई कि कैसे हम इतने अजीम लोगों में, हमारी कुछ नसीबी कि कितने अजीम लोगों में हमने आँख खोली, उनकी तरबियत पाई और उनसे नात पढ़ना सीखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सरपरस्ती आज तक फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे सेहत के साथ, और अल्लाह ताला इनके काम में, इनकी उम्र में, इनके रिस्क में, कारोबार में मजीद बरकतें और तरक्की अता फरमाए, और हम सबको इनके फैज से और मालामाल फरमाए। कलाम पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। अल्लाह ने पहुँचाया
अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने सब शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में, सब शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में, कुछ देर सलामी को ठहराया मवाजे पर, कुछ देर सलामी को ठहराया मवाजे पर, फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में, फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, ये शेर मुझे बहुत अरसे तक समझ नहीं आया और इस हाजिरी में मुझे ये शेर समझ में आया, शेर का असल मतलब क्या है। कुछ लम्हे वो दूरी के पाए तो ये लगता है, पाए तो ये लगता है। खासतौर पर शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि मैंने सभी रमानी साहब से ये सुना था टीवी चैनल पर उन्होंने एक महफिल नात में बताया कि जब उनकी पहली हाजिरी 1996 में हुई थी और जब उनको ये कलाम मिला था वहाँ पर रखा हुआ था, तो उनको एक वहाँ पे एक बुजुर्ग ने सलाह दी थी कि बेटा पहली हाजिरी है तो इस बात का ख्याल रखना कि रोजाना हरम में एक मखसूस जगह बैठने को अपना मामूल जरूर बना लो, तुम्हें तुम दुनिया में जहाँ कहीं जिंदगी में जब कभी अपनी आंखें बंद करके अपने आप को हरम की उस जगह पर पाओ। तो दर हकीकत ये शेर उस सलाह की अक्कासी कर रहा है क्योंकि हाजिरी तो बहुत दफ़ा बहुत लोगों की हो जाती है मगर कुछ लम्हे हुजूरी के ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा मिल जाए तो बार बार मिलना बड़े नसीब वालों को मिलते हैं। तो इस शेर को काबिल तवज्जो शेर, कुछ लम्हे वो ज़ोरी के पाए तो ये लगता है, पाए तो ये लगता है। कुछ लम्हे गुजाराया
सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा था, तो मेरा दिल भी चाहा कि कोई मेरे लिए भी बार बार इसी तरह इतनी एहतमाम के साथ मेरा भी सलाम अर्ज करे और मेरी किसी से दोस्ती हो जाए। तो उसी वक्त मुझे वहाँ पे एक ऐसे बंदे से मेरी दोस्ती हुई जिनका मुझसे अभी भी रابطہ है, और वो वहाँ पर 30 सालों से रोजाना की बुनियाद पर हुजूर की बारगाह में हाजिरी देता है। और ये मेरा आंखों देखा हाल और उसी वक्त का एक्सपीरियंस जब मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, और वो मदीना उबराए होटल में ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर 30 साल से वो जन्नतुल बकी में और हुजूर की बारगाह में रोजाना हाजिरी देते हैं। तो ये शेर आपको समझ में आएगा कि शेर की अहमियत क्या है। मैं रब को पुकाराया सरकार के कदमों में, कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, पूरी हुई हर ख्वाहिश, कुछ कहने से पहले ही पूरी वो ही पाया सरकार के कदमों में, जो सोचा वो ही पाया सरकार के कदमों में, मुझ जैसा कदमों में, एक
बात सुना आया सरकार के पदमों में। मतलब वो शेर जो बचपन में मैंने ऑब्जर्व किया था कि जिस शेर पर सबसे ज्यादा दाद मिलती है और तमाम लोग इस बात की हिमायत करेंगे, सरकार सलामी को हर साल तलब कीजे, हर साल तलब कीजे, सरकार सलामी को हर साल तलब कीजे, हर साल तलब कीजे। ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में, अगर ये मोमिन अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो ये अगर ये आपकी बारगाह में आ जाए और अगर आप इनके लिए दुआए मगफिरत फरमाए तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। याद आई सभी अपनी हर एक खता मुझको, हर एक खता मुझको, याद आई सभी अपनी पहुँचाया सरकार के कदमों।